So guys, अभी हम लोग जा रहे हैं अलविदा का जुमा पढ़ने के लिए. अच्छा लग रहा है ना? बहुत बढ़िया. Hey guys, this is Sonata Kev. Welcome to my YouTube channel, Attentive Vlogs. So, all of you, फिर से अपने ब्लॉग. गुड मॉर्निंग. अभी सुबह के जी रहे हैं 11 और अभी हम लोग सब सेंटर आ चुके हैं. आज बहुत ज़्यादा स्पेशल डे है बिकॉज आज हम लोगों का है अलविदा जुमा. ईद का ऑलमोस्ट 8 दिन ही बचा है तो ईद के आने की खुशी है. बट एक चीज़ का बहुत ज़्यादा गम है गाइज, आज हम लोगों का अलविदा जुमा है और रोज़ा ख़त्म हो रहा है गाइज. क्योंकि ये महीने में जब भी आता है ना तो बहुत ज़्यादा अलग सा पॉजिटिविटी आ जाता है बॉडी में, थिंकिंग में. जो भी होता है, जैसा भी दिन जाता है ये महीना में, बहुत ज़्यादा खुशी वाला दिन आता है. बट वो दिन जा रहा है गाइज हम लोगों का. फिलहाल अभी तो हम लोग टाइम नहीं हुआ, 1 बजे हम लोग का जमात उठती है. सो गाइज, अभी हम लोग जा रहे हैं अलविदा का जुमा पढ़ने के लिए. हम डॉक्टर साहब भी आ गए हैं यहाँ पे. अचानक से प्लान हुआ हम लोग को जाने का. फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं मस्जिद में और बहुत दूर है अपने एरिया से, लगभग 2-3 किलोमीटर ऑलमोस्ट हो ही जाएगा. अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, हम लोगों का नमाज मुकम्मल हो गया और फिलहाल अब हम लोग निकल गए हैं. हम लोग अभी फारिग हो गए, अपने घर जा रहे हैं. फिलहाल अभी 5:30 बज रहा है और आधा घंटा है ऑलमोस्ट. तो आप कैसे हैं तालिब भाई? आज ये नहीं आए थे सेंटर और अभी हम लोग जा रहे हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. तो फिलहाल अभी हम लोग चल रहे हैं मोटर ब्लॉग करते करते. आज हम लोग का रोज़ा लग गया क्या भाई? ना, तुमको कैसा लगेगा? पूरा दिन सो के हो तो कैसा लगेगा? वाह, क्या ही बताएं. आ गए थे फिर से वापस सेंटर बिकॉज आप चार्जर छोड़ दिए थे. घर चार्जर लेके आए थे तो चार्ज नहीं था फ़ोन पे, तो दोबारा आना पड़ गया गाइस. बहुत थक गए. फिलहाल अभी जाते हैं फ्रूट लेते हैं. एक तरबूज नहीं है शायद, मम्मी तरबूज आने वाली. चलो गाइस फटाफट चलते हैं. सो गाइस, तरबूज वाले मार्केट में तो आ गए हैं. देखो कितना रुपए किलो? 33 टका से. 35 रुपए किलो. बढ़िया है गाइस, यहाँ काट के ले रहे हैं, मज़ा आ रहा है. तो यहाँ काट के दे रहे हैं भैया जी. हेलो मालिक. अरे तो ले लिए हैं, अब हम लोग चलते हैं घर. आ चुके हैं घर और यहाँ पे अफ्तारी लगना चालू भी हो गया है. स्टार्ट हो गया, चालू हो गया. लीजिए लीजिए, इसको काटिए, अच्छा से काटिए. बहुत लाल है, ज़बरदस्त लाल है. लाल ही लाल है, एक बार मैं दिखा देता हूँ कितना ज़बरदस्त लाल है भाई. बूम बूम बूम, यहाँ पे अफ्तारी रेडी है. ओ भाई, देख रहे हैं क्या लाल है. तो काटिए फटाफट, मज़ा आ गया. अरहान अब तक नहीं आया है क्योंकि अरहान अपने दादू के साथ गया हुआ है कहीं पर. यहाँ पानी कौन खोल के रखा है मम्मी? अरे वाह, कौन आया कौन आया? अरे वाह, दादू के साथ तो अरहान आ गया है. तो भाई अरहान भी आ गया है, दादू के साथ गया हुआ था घूमने के लिए. गाइस ये वाला प्लेट तो अपना सज रहा है. तरबूज अभी जो अभी हम लोगों ने तरबूज लाया वो अभी ठंडा होने के लिए दिया फ्रीजर में नमाज पढ़ने के लिए. अरहान मेरा प्लेट में सिर्फ चूड़ा ही का ही दिख रहा है इतना सारा. पापा पापा का प्लेट ही नहीं है यहाँ पे. शरबत का इंतजाम हो रही है. अभी हम लोग अफ्तारी खोलते हैं शरबत से, खजूर से नहीं क्योंकि खजूर बहुत बेकार है. एक स्टार्ट करो हाँ. सो गाइज, हम लोग अभी अफ्तारी कंप्लीट हो गया हम लोगों का, मेरा और अरहान का. वहाँ पापा देखो कर रहे बैठ के अफ्तारी, अभी तक वो अफ्तारी कर रहे हैं. हम लोग का हो गया और हम लोग अभी रेस्ट कर रहे हैं. अभी नमाज पढ़ेंगे के बाद फिर हम लोग जाएंगे अरहान का शॉपिंग करने. अरहान का सब ले लिए हैं बट पंजाबी नहीं लिए हैं. अभी जाएंगे इसका पंजाबी लेंगे, देखते हैं कैसा कैसा पंजाबी आता है इसको. अरहान ऊपर से लेके नीचे रेडी हो गया है. अरहान रेडी हो गए हो? हाँ. कहाँ जाएंगे अभी? बारसोई नहीं, अभी जाएंगे कपड़ा खरीदने. बोलो कपड़ा खरीदने जा रहे हैं पंजाबी. चलो चलो फटाफट, चलो चलो चलो, जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आओ, कूदो वहाँ से कूदो. बूम, चलो आ जाओ जल्दी आओ. चाबी लाओ, दो चाबी दो. चलो हम लोग जा रहे हैं फटाफट फटाफट, बाइक घुमाना है फटाफट. चलो चलो ये, चलो भाई निकलते हैं अब हम लोग. गाइस हम लोग आए हुए हैं अरहान का कपड़ा लेने के लिए. अरहान कपड़ा लिए? इसको देखो, खड़ा हो जाओ. पहने तो ऐसे करके, हाँ अच्छा लग रहा है, तो खूबसूरत. ये वाला भी बहुत सुंदर है, ये वाला अच्छा लग रहा है हमको ज़्यादा. कौन वाला लोग है राम? हाँ ये वाला ना, हमको भी यही वाला अच्छा लग रहा था. नहीं, हाँ बेहतरीन, ये सब बेकार है.
ये वाला ज़्यादा अच्छा है, ये वाला और ये वाला में ये वाला सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है हमको, और ये वाला उसकी मम्मी को अच्छा लग रहा है। तब देखते हैं, डिसाइड करते हैं कौन सा लेना है या दोनों ही ले लेना है। वाह देखो तो कितना सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना रान। गाइज यहाँ आ गया ब्लैक कलर पठानी और इसको तैयार कराएंगे अभी पठान ड्रेस पहना के, तो देखेंगे कैसा लगता है, बेकार लग रहा है कि अच्छा लग रहा है। तो ये अभी देखा जाएगा, इसको पूरा ब्लैक पहनाएंगे ब्लैक। और गाइज ये देखो गाइज फुल ब्लैक वाला पठानी सूट अरहान पहनने के कैसा लग रहा है, आप लोग एक बार कमेंट कर सकते हो तो कमेंट कर देना। बहुत सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना अरहान, बहुत बढ़िया ना। चलो बहुत बढ़िया, चलो इसको फाइनल कर लेते हैं भाभी। एक ये लिए हम लोग, एक वो लिए पठान वाला, एक नॉर्मल लिए। सो अब इसको कपड़ा पहनाते हैं और निकलते हैं हम लोग यहाँ से। गाइस अभी आ गए हम लोग घर फिलहाल, और अभी मम्मी का रिएक्शन देखते हैं यहाँ पे। ये है पठानी का, ये पठान है, और ये एक और लिए हैं, यहाँ अरहान भी आ गया। ये अभी हम लोग आए थे तो लाइट भी चला रहे थे ना, तो यहाँ पे हम लोग देखो गोलगप्पा लेके आए हैं, गोलगप्पा का पानी लेके आए हैं, और फिर यहाँ पे चटनी लेके आए हैं नारायण, मज़ा आ जाएगा ना खाने में। सो गाइज इस व्लॉग को हम लोग अभी यहीं एंड करते हैं गाइज। सो गाइज आप लोगों को कैसा लगा व्लॉग कमेंट कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो गाइज मिलते हैं इसी तरह के किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक भी खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का। बाय गाइज।